कोरोना पॉजिटिव हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिना छुट्टी लिए ही यह डॉक्टर पहले तो उत्तर प्रदेश शादी में शामिल हुए, उसके बाद ना तो खुद क्वारंटीन हुए और ना ही परिवार को किया। नतीजा ये निकला कि ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर परिवार के 3 सदस्यों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंगरौली जिले के एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। ये ब्लॉक मेडिकल अफसर कोरोना जैसी महामारी में इस डॉक्टर ने बेहद लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाया है। इस डॉक्टर ने अपने परिवार के साथ साथ कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। यह डॉक्टर पहले तो बिना अवकाश लिए ही सिंगरौली से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चला गया और लौटने के बाद ना खुद क्वारंटीन हुए और ना ही अपने परिवार को क्वारंटीन करवाया। लौट कर आने के बाद से ही लगातार अपने काम भी करते रहे, अस्पताल में स्टाफ के साथ भी रहे और मरीजों को भी देखा। इतना ही नहीं, कई जगह ये सैंपलिंग के दौरान कई मौकों पर ये विभाग की टीम के साथ अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे। डॉक्टर के इस लापरवाही का पता तब चला जब इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, तो इन्होंने पत्नी के साथ पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए टेस्ट कराते समय अपनी पत्नी के नाम की जगह अपनी नौकरानी का नाम लिखवा दिया। इतना ही नहीं, बच्चों के नाम भी इन्होंने गलत लिखवाए। इन सभी लापरवाही के आरोप में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वस्थ होने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सीएससी कुटार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है थाना बैठन द्वारा। इसके संबंध में सीएमएचओ द्वारा इस आशय की सूचना दर्ज कराई गई कि जो खंड चिकित्सा अधिकारी कुटार है वो दिनांक 23/6 को बिना सूचना के बाहर चले गए थे, एक अपने प्राइवेट कार्यक्रम में, और बलिया गए हुए थे, जो 1 तारीख को वापस आए। इनके द्वारा वहां जाने के संबंध में कोई अवकाश प्राप्त नहीं किया गया था। वापस आने के बाद भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई कि हम बाहर गए हुए थे, और वापस आने के बाद ये अपने शासकीय कार्य में लग गए और अपने वहाँ के जो कुटार सीएससी का स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उससे तथा अन्य आमजन से मिलते रहे, जिससे कि कई लोगों के से मिलने जुलने का इनका कार्यक्रम जारी रहा। इसी बीच एक सिंपल कुछ सिंपलिंग सीएससी कुटार के सीएमएचओ ईएमओ द्वारा कराया गया था, तो उस सैंपलिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको आइसोलेट करने के लिए, महिला को आइसोलेट करने के लिए कुटार पहुंची, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उस महिला ने बताया कि हमने कोई भी अपना सैंपल नहीं दिया। तब तक संबंधित डॉक्टर से, जो कि स्वयं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं और उनके द्वारा ही वो सैंपलिंग कराई गई थी, तो उनसे पूछताछ की गई, तब यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये जिस महिला के नाम पर उनने सैंपलिंग कराया था, वास्तव में उनने अपनी पत्नी का सैंपल उस महिला के नाम पर गलत पता नाम पता उल्लेख कराते हुए करा दिया था। और ये तथ्य प्रकाश में आने पर उसको, महिला को आइसोलेट किया गया, डॉक्टर का भी सैंपल कराया गया, उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये गंभीर किस्म की लापरवाही खंड चिकित्सा अधिकारी कुटार द्वारा बरती गई, और उनके द्वारा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर और आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने और विभिन्न जो महामारी के संबंध में कोविड की रोकथाम के संबंध में प्रावधान किए गए उनका उल्लंघन करना पाए जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269/70/71, महामारी अधिनियम की धारा 3-4 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-54 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।